हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलम्बस ने 1494 ईस्वी में किए थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1494 ईस्वी में किए थे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया। तो कोलंबस जो है वो भारत की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया। जो मतलब भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने किए थे, लेकिन कोलंबस जो थे वो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उन्होंने अमेरिका पहुँच गए। चलिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी और कब। मैंने पहले बताया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किए थे। तो समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किए थे। अमेरिका का खोज कब हुआ था? तो अमेरिका का खोज हुआ था 1494 ईस्वी में, उसके बाद 1498 ईस्वी में भारत का खोज हुआ था। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, यानी कि वास्को डी गामा जो था वो किस देश का रहने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था। जब वास्को डी गामा भारत आए तो उन्होंने किस बंदरगाह पे उतरे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल के कोझीकोड, जिसको अब कालीकट बोलते हैं, तो केरल के कोझीकोड के बंदरगाह पर उतरे थे। कहाँ उतरे थे? तो केरल के कोझीकोड बंदरगाह पर उतरे थे। और दोस्तों छठा प्रश्न है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को आल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को आल्मीडा जो थे वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। और दोस्तों सातवां प्रश्न है कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, यानी कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा पर अपना कब्जा कर लिया था। चलिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आठवां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आठवां प्रश्न क्या है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए इसको VVI कर लीजिए। और दोस्तों नौवां प्रश्न है कि जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंग्स को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, यानी कि जब जहांगीर साहब से जब मतलब इंग्लैंड के राजदूत ने मतलब कंपनी लगाने के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति मांगा, तो जहांगीर ने किस स्थान पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में उन्होंने मतलब इंग्लैंड के राजदूत को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दिए थे। चलिए दोस्तों दसवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों दसवां प्रश्न है कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ये इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में था दोस्तों? तो कर्नाटक का युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। और दोस्तों ग्यारहवां प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। यानी कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 1757 ईस्वी में हुआ था। यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।